हमारी रियल लाइफ काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड मैंने सोचा माइनक्राफ्ट को भी बनाते हैं, बट देन मुझे याद आया ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज मोजिंग वालों ने थानोस से चुटकी भिजवा दी। ये वाली नहीं, ये वाली चुटकी। लेकिन अब 1.19 के लिए भी अच्छे शेडर आ गए हैं तो आज वही दिखाने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। नंबर 5, यूनिवर्सल शेडर। एंड ये शेडर काफी ज्यादा प्यारा है, लाइक देख ही सकते हो जंगल से आते हुए कितनी पीसफुल वाइब्स आ रही हैं। एंड इस शेडर ने कलर नहीं सैचुरेशन बढ़ा दी है। मैं क्यों नहीं बोल पाता हूँ प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह। एंड शेडर का पानी देख के तो मुझे पहाड़ों का पानी याद आ गया। और हाँ, वाटर के अंदर भी तुमको सब कुछ काफी क्लियर मिल जाएगा। एंड नाइट टाइम देख के तो नॉट गोना लाइक काफी डरावना लगा मुझे। एंड इसमें तुम लोग को चांद के डिफरेंट, क्या बोलते हैं इसको, काश मैंने 5th क्लास अच्छे से पढ़ी होती, चांद के डिफरेंट टाइप के फेसेस मिल जाते हैं। एंड इस शेडर का सनसेट भी उतना ही प्यारा लगता है जितना प्यारा मुझे सिल्वर प्ले बटन। तो सब्सक्राइब करो और मुझे सिल्वर प्ले बटन दिलाओ। तो नंबर 4 पे आता है नाइट्रो। वो वॉइस क्रैक हो गया था, आई मीन नाइट्रो शेडर। एंड ये शेडर भी एक और काफी तगड़ा शेडर है क्योंकि इसमें तुम लोग को मिल जाते हैं वेविंग लीव्स, क्लियर वाटर, फुल ग्रास जो कि मुझे तो काफी सही लगता है, एंड स्काई जिसमें सूरज हुआ मध्यम, बादल उगने लगा, एंड नेदर को कुछ ज्यादा ही लाल कर दिया। एंड लावा का टेक्सचर पुराने माइनक्राफ्ट की तरह है, अगर तुम पुराने प्लेयर हो तो पता होगा। एंड लाइटनिंग देखोगे तो वो भी ठीक ठाक सी है। और जॉम्बी भाई तेरी बॉडी कहाँ पे है? अच्छा अच्छा गाइस, जॉम्बी बोल रहा है वो भी बॉडी बना रहा है, जो जोक मारा मैंने। एंड हाँ, इस शेडर में तुमको दांतों की तरह चमकते हुए ओर्स भी मिल जाएंगे। एंड अपने रेडस्टोन के अंदर से तो बिजली दौड़ रही है। एंड इस शेडर में कनेक्टेड ग्लास का भी फीचर है। एंड ये दोनों क्या कर रहे हैं? बैट का ग्रिप निकाल के ना सीधा बैट। नंबर 3, फैंसी शेडर। एंड जैसे इसका नाम है काम भी वैसे ही करता है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी बारिश से, जो कि तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो कितनी चिल और रिलैक्सिंग है। एंड इस शेडर में तुम लोग को वेविंग लीव्स, ग्रास सब मिल जाता है। एंड अगर लाइटनिंग को देखें तो वो भी इतनी तगड़ी है, ऐसा लगता है अंधेरे में रोशनी की किरण मिल गई। एंड पानी कुछ ज्यादा ही क्लियर है क्योंकि अंदर जाने के बाद भी तुमको लगेगा तुम लोग राजस्थान में हो क्योंकि दूर दूर तक पानी नहीं दिखेगा। एंड इस शेडर में सनसेट भी उतना ही प्यारा लगता है। तो नंबर 2 पे आता है ओशियनिक शेडर। एंड ये शेडर प्रोबेबली सबसे तगड़ा है क्योंकि इस शेडर के इतने तगड़े लुक्स के बावजूद भी मुझे रिकॉर्डिंग के साथ भी हल्का सा लैग नहीं मिला। सो या, ये काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड ये शेडर बिल्कुल मेरे टाइप का है, ना ज्यादा कलरफुल ना ज्यादा ब्राइट, सब कुछ एकदम सही अमाउंट में है। एंड तुम लोग को डिसेंट क्वालिटी का वाटर भी मिल जाएगा। एंड इस शेडर का ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत सही है, तो तुम लोग को इसको ट्राई करना चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, आ चुका है नंबर 1, जो है HYRD ग्राफिक्स। एंड इस शेडर के बारे में कुछ नहीं बोलने वाला। तुम तो या, 5 शेडर तुमने देख लिए। एंड आई नो ये थंबनेल से मैच नहीं होते, बट तुमको ये समझना पड़ेगा कि रेंडर ड्रैगन में वैसे शेडर नहीं चल सकते। एंड मैंने तो व्यूज के लिए क्लिकबेट किया था, वरना तुम लोग इस पे क्लिक करते क्या? नहीं ना, बट अब कर दिया है तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड आई डोंट नो इफ यू गाइस नीड टू हियर दिस राइट नाउ, बट आई डोंट नो हु नीड्स टू हियर दिस राइट नाउ, बट पूपी पीपी पूपू पीपी पूपी पूपी पीपी।